हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप IIT जैन असिस्टेंट प्रोफेसर, लेक्चरर, नेट, SRF, गेट या किसी तरह के और भी इंट्रेंस एग्जाम जो कि मैथमेटिक्स से रिलेटेड हो, BSc या MSc से रिलेटेड, उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके सोल्यूशन किस तरह से निकाले जाते हैं, ये हम पढ़ रहे हैं। और ये एग्जाम्पल नंबर 17 है हमारे पास। इसको सोल्व करना है x²y" + xy - y=0। बेसिकली फ्रेंड्स, जो हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन है उसमें हमारे पास इसका सॉल्यूशन नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि इसका सॉल्यूशन इजीली निकाल सकते हैं। तो इसके लिए क्या पूछे जाएंगे हमारे पास कि ये सॉल्यूशन ऑप्शन दिए होंगे, इसके ये सॉल्यूशन होंगे। कोई एक ऑप्शन दे रखा होगा, दो ऑप्शन दे रखा हो, तीन ऑप्शन दे रखा होगा, हो सकता है एक पार्ट में एक ऑप्शन दे रखा हो, सॉल्यूशन दे रखा है, दूसरे पार्ट में दो सॉल्यूशन दे रखा हो, और हो सकता है ये पूछ लें कि ये सॉल्यूशन यूनिक होंगे या नहीं। तो इस तरह से क्वेश्चन बना के पूछे जा सकते हैं। अब इसको अगर हम सॉल्व करना चाहें, ये है हमारे पास, तो इसको सॉल्व करना है हमें, तो इसको लिख सकते हैं x²d²y/dx²+xdy/dx - y=0। तो इसके लिए हम सॉल्व करने के लिए लेट z = log x, या हम कहें x = e^z एज्यूम कर लिया हमने। तो उस कंडीशन में इसका सॉल्यूशन किस तरह से निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये एज्यूम करने के बाद जब हमारे पास जो बनता है ये हमारे पास एक स्पेशल केस होता है। जब ये एज्यूम करते हैं तो हमारे पास dn x^n / ydn - dn, ये जो है इसको हम लिख सकते हैं d -1 · d - n+1, ये बार n-1 इस टाइम तक, और यहाँ पे y = 0, जहाँ पे d बराबर होता है d/dz। तो इसको ये लिख सकते हैं हम। तो यहाँ से अगर हम देखना चाहें इसको इस फॉर्म में अगर लिखना चाहें, तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास d²d - 1 + d - 1 y = 0। तो इसको लिख सकते हैं, ये हो गया हमारे पास, जहाँ पे d बराबर है d/dz। तो ये हो गया हमारे पास d², -d आएगा तो -d से कट जाएगा, -1 y = 0। तो इसको सॉल्यूशन निकालने के लिए सिंपली एक्सेलरेटेड इक्वेशन यानी m²-1 = 0 का सॉल्यूशन होगा, तो m बराबर आएगा +-1। तो इसका CF लिख सकते हैं, यहाँ से CF लिख सकते हैं c1e^z + c2e^z। ये है हमारे पास। अब फिर e^z और e^z की z की वैल्यू पुट करनी होगी। z की वैल्यू क्या है हमारे पास? log x। तो यहाँ से ये आ जाएगा हमारे पास y = c1e^log x + c2e^-log x। तो ये हो गया, तो यहाँ से ये हो गया c1x + c2 - log x को क्या लिख सकते हैं? log 1/x। तो ये c2 1/x। तो इस तरह से y बराबर, ये इसका एक सॉल्यूशन आ गया फ्रेंड्स। और जो हमारे पास इसमें ऑप्शन थे क्वेश्चन में, मेन ऑप्शन थे वो थे हमारे पास, जैसे मैंने पहले डिस्कस किया था, किसी तरह से पूछ सकते हैं। इसमें फर्स्ट ऑप्शन था x²+1/x² = 1 तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाता। सेकंड था हमारे पास c2x + 1/x + c1/1/x, सॉल्यूशन ये भी नहीं है। इसमें थर्ड ये था कि ये इसका सॉल्यूशन होगा या नहीं। तो थर्ड ये था हमारे पास और ये इसका एक सॉल्यूशन है। तो फिर इस तरह से किसी तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ऐसे और क्वेश्चंस के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को देखते रहिए, और भी क्वेश्चन आपको आते रहेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।